जी भाई, ये हमारी मम्मी जी। और सुनाओ मम्मी जी, बढ़िया। क्या मौज आ रही? मन लग रहा है, मेहनत करेंगे, रोना नहीं है, पक्का। आई लव यू। अरे गल मोई मोई कर दिया। देखो हम ब्रेड लेकर आए तो हमारे पास तवा नहीं है। तो अभी आया ही नहीं। ठीक है जी, अब दूसरी चीज तो सुन लो फिर भाई। चलो चाय बनाई। मन लगाना बहुत मुश्किल है किसी नई जगह पे आके, ठीक है। और भाई इधर का सिस्टम ऐसे, जैसे तुम पता है फ्लैट साइड की मतलब ये देखो फाइनली मेरा मिरर ये आ गया यहाँ पे, जो आप लोगों ने मेरे घर पे देखा होगा। तो जी भाइयों, ये वाला रूम तो दीपशिका ने पहले ही ले लिया। ये कह रही है कि ये वाला रूम तो मैं ही लूंगी। किस लिए वो आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में, जब होम टूर देंगे ना, ठीक है। वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे तो हम जब होम टूर देंगे जब आपको बताएंगे। जिस भी भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो खा रहा हूँ। राम राम जी। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक भाटी पे। तो जो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पहले वाले ब्लॉग को तो प्यार और सपोर्ट दिया। तो जो मेरे छोटे भाई देख रहे वैसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, जो मेरे बड़े देख रहे वैसे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो जी भाई, जस्ट अभी सो के उठे हैं और देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या करते हैं। तो जुड़े रहो और दिखाते हैं कि आज पूरे दिन क्या करते हैं। चलो भाई, अभी जस्ट सो के उठे हैं, आज जल्दी उठ गए तुम्हारे भाई। तो जी भाई, एक ब्रेड का पैकेट ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेड की गल चाय पीना बहुत पसंद है। चलो चलते हैं। चलो तो भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, फिर गाड़ी भी साफ करा के लानी है। चलो चलो चलते हैं। मार्केट यहाँ से थोड़ी सी दूर है। चलो और भाई, अब तो आपको ज्यादातर घूमने के व्लॉग दिखा करेंगे। चलो आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई जल्दी उठा है, ठीक है। चलो दीपशिका भी नाश्ता बना रही है, तो मैंने सोचा तो ब्रेड ले आता हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, दे दो। चलो भाई, ले लिया है, चलते हैं। चलो तो जी, आज है पहला दिन नए घर में, ठीक है। तो शाम को मम्मी पापा जी भी आएंगे और शायद चाचा जी भी आए। चलो सबसे मिलवाते हैं, अभी घर चल के नाश्ता करते हैं। और सुनो, आप सब हो क्या मौज आ रही है? सुबह जल्दी उठ के मजे आवे हैं भाई। बहुत दिनों बाद उठा हूँ आज मैं, कम से कम 4-5 महीने बाद। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। सुबह सुबह स्कूल के बालक जावे हैं ना, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरा भी यही सीन था भाई। मैं तो सुबह 6 बजे उठ जा रहा है स्कूल जाने को, अब तो फिर भी थोड़ा सा लेट हुआ, 8 बजे उठा, सुबह 6 बजे उठ जा रहा है और अपना 7 बजे स्कूल पहुँच जा रहा है। चलो अब घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। और भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना जिम भी देख लूँ यहाँ पर कोई, तो थोड़ा जिम विम भी कर आया करूँगा, है ना। उससे क्या थोड़ा मन भी लगा रहेगा और थोड़ी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं, अब घर चल के मिलते हैं, नाश्ता करते हैं चल के। और भाई गाड़ी यार गंदी हो रही है, गाड़ी भी धोवा के लानी है। या तो मैं घर जाऊँगा जब भी धोवा के लाऊँगा, नहीं तो यहीं कहीं धुलवाता हूँ। चलो चलते हैं। लो चलो, ये रख देता हूँ फ्रिज में। ओ चीनी किलो के हिसाब से डालनी, ठीक है। चलो तो जो भाई, इतना दीपशिका चाय बना रही है, इतना तुम्हारा भाई कर लेता व्लॉग एडिट। चलो तो जी भाई, हमारी गल हो चुकी है मोहे मोहे, अभी बताता हूँ क्या। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी क्या लेने। भाई दीपशिका ने हमारी गल मोहे मोहे कर दिया। देखो हम ब्रेड लेके आए तो हमारे पास तवा नहीं है। गाइस देख लो, हमारे पास अभी तवा नहीं है। हम तवा मतलब मैंने ब्रेड मंगाया इनसे सुबह सुबह के, चलो ब्रेड ले आओ, ब्रेड चाय पे ले लेंगे, तो याद आया कि अरे तवा तो अभी आया ही नहीं। ठीक है जी, अब दूसरी चीज तो सुन लो फिर भाई। चलो चाय बनाई तो चाय, चलो चाय पियेंगे। तो क्या कहे, चाय छानने वाली, क्या कहे, चाय छन्नी। चाय छन्नी बिना है, तब हम जा रहे हैं चाय छन्नी लेने। भाई सुबेरी 8 बजे हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, किस चीज की, तवे की और चाय छन्नी की। चलो भाइयों चलते हैं, देखते हैं अभी सुबह। दुकान भी तो नहीं खुली होगी, देखते देखते हैं सुबह चाय छन्नी की।
अब चाय छन्नी तो ले गई यानी चाय कैसे पीऊंगा। और सुनो अभी तवा नहीं तो काम करो बटर ले लो। चलो बटर ले ले है ना, बटर ब्रेड खा लेंगे फिर, क्योंकि एक बार मैं घर भी जाऊंगा वहां से ले आऊंगा। तो जी भाइयों मिल चुकी है फाइनली, आ जाओ भाइयों नाश्ता कर लो। चलो तो भाइयों मैंने सोचा था कि मैं आराम से नहा लेता हूँ, लेकिन भाई आ गए एलसीडी लगा देते पहले। तो भाई अभी पहले सेट करा लेते हैं इसे। चलो तो जी भाइयों फाइनली ये तो हो चुका है। तो जी भाइयों नहा धो के हो चुके हैं तैयार, ठीक है अब कर लेते हैं पूजा। चलो चलो तो जी भाइयों पूजा कर लेते हैं, जय माता दी। तो जी भाइयों नहा धो के हो चुके तैयार और भाई पूजा भी कर ली और दीपशिका ने पूजा कर ली। हाँ ठीक है यहीं पर है, वही है तुमने रख दिया। लो ठीक है। तो मैडम क्या बना रहे हो आज खाने में? क्या खाना है भाई? दीपशिका सामान इतना सारा ले गई तो दीपशिका बनाएगी चिली मेरी पटेटो। मेरा मत लगा, दीपशिका लगाएगी। मेरा मत लगा ठीक है। एक तो देखो मतलब कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगा रहा है यार, मेरा मत लगा लहंदर। देखिए कितने सही हाथों में सॉफ्ट से हमें ऐसी ठीक है। ठीक है तो क्या बना रही हो खाने में पहले ये बताओ। क्या खाना है बता दो ना। वो खाने यार चिली मिली पटेटो मोमोज पिज्जा बर्गर बर्गर मैं तो यही खाऊंगा। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी इन चीजों को बनाने में, क्योंकि ये चीजें मेहनत की होती, खा दो जल्दी इनसे जल्दी बन जाता है, ये मेहनत लगेगी। तो तुम बनाओ, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठा करें फिर बनाएं। और फिर देखो भाई एक तो मुझे इसकी इंग्लिश समझ ना आती, इंग्रेडिएंट्स हां मतलब कि हमें सामान बहुत सारा होता है ना। जल्दी बनाओ खाने के लिए, बहुत लग रही है भूख केड़ी। खाना बता दो, तुम दाल चावल बना लो या फिर ऐसा करता हूँ। ये पानी तो नहीं बाहर तो नहीं निकल रहा पानी, आवाज आ रही है पानी। देखो देखो भाई एक बार देख के, पानी ना चल रहा बाहर, बारिश पड़ रही है तो मैं भी बारिश दिखा के लाता हूँ। और सुनो मुझे घर तो जाना ही है ठीक है भाई, क्योंकि अभी तुम्हें पता जैसे नए नए शिफ्ट में तो भाई मन लगाना ना बहुत मुश्किल है किसी नई जगह पाके, ठीक है। और भाई इधर का सिस्टम ऐसी जैसे तुम्हें पता है फ्लैट साइड की कहीं कहीं का मतलब ना सब अपने में खुश, ठीक है। तो चलो मैं रह रहा हूँ ऐसे, हाँ बारिश हो रही है तो मैं रहा हूँ ऐसे पहली बार, ठीक है। एक बार पहले भी रहा था जब हमारा घर बन रहा था, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मन तो लगाना है ही, ठीक है। तो अभी पहले बारिश दिखा के लाता हूँ। तो चलो बाहर पड़ रही है बारिश। तो जी भाई ये बाहर पड़ रही है बारिश, मुझे गाड़ी धुलवानी थी तो गाड़ी धुली हुई, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं पहले घर चले या फिर पहले खाना खाते हैं, डिसाइड करते हैं पहले, क्योंकि अब वो रह में है ना मन में कि घर जाने का मन कर रहा, तो घर ऐसे दिख रही कब चला जाए। और भाई प्लस पॉइंट एक भी है कि मुझे यहाँ से घर जाने में 45 मिनट लगते हैं, तो आराम से वहाँ चले जाऊँगा और आराम से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। और मैंने जब फ्लैट ढूँढा था ना तो सबसे मेन चीज़ यही देखी थी जब हम दोनों ने फ्लैट ढूँढा था कि हम आराम से यहाँ घर भी चले जाओ और आराम से यहाँ भी आ जाए, अगर मन न लगे तो वहाँ चले जाओ, मन लग जाए तो यहाँ जाओ, ठीक है। चलो तो जी भाई ये वाली फ़ोटो लगा दी है यहाँ पे, वहाँ से जलेगी लाइट। तो भाई ये वाली फ़ोटो लगाती है यहाँ पे, देखो अभी लाइट जलाते हैं, जलाओ हाँ अच्छी लग रही है, ठीक है। और भाई अभी वो भी ले दी फीका पर्दे, ठीक है दिखाना भाई, यहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एलसीडी भी लग गई है, ठीक है दीपशिका सुनो हाँ अब पहले पर्दे लगा देते हैं, ठीक भाई क्योंकि पर्दे लगाने ज़रूरी है। चलो आती है लगाने, मतलब हमें पर्दे लगाने ना थे भाई, रुको भी अभी लगा दिखा तो पहले पर्दे लगा लेते, रुको ये निकाल लो पहले, ऐसे नहीं निकलेंगे। लाओ ये गंदी है साफ भी कर दो। उल्टा लगा रहे हो या न्यू कर दूंगा मैं, तो होगा सीधा। हाँ वो ये तो बिल्कुल ही मैच हो गया सच में, करो मैं सिखा रही हूँ तुम्हें। हाँ हमें तो कुछ आता ही कहाँ। हाँ अब इसको आगे करो, हाँ गुड, अब इसको विंडो पे फैला दो, परफेक्ट सिखा दिया ना। चलो भाई अभी भी उल्टा लगाया तुमने, क्योंकि देखो जो किनारे हैं ना वो बाहर आ रहे हैं, अंदर की तरफ मुड़ने चाहिए थे।
ये हाँ नहीं बिल्कुल ये बाहर की तरफ है। अरे अब देखो ना लग गया, चलो फिर सब सुंदर लग रहा है ना। आ मुझे ठीक है ना भाई, ये गोल्डन वाले यहाँ पर लगा देंगे। ये देखो फाइनली मेरा मिरर ही आ गया यहाँ पे, जो आप लोगों ने मेरे घर पे देखा होगा कितना सुंदर लग रहा है। और ये वहाँ से ड्रेसिंग टेबल भी आ गया, अब लग रहा है पक्का स्टूडियो एकदम। तो जी भाइयों, ये वाला रूम तो दीपशिका ने पहले ही ले लिया, ये कह रही है कि ये वाला रूम तो मैं ही लूंगी। वो किस लिए वो आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में जब होम टूर देंगे ना, ठीक है। वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे तो हम जब होम टूर देंगे जब आपको बताएंगे। सबसे तो पहले लगा लेते हैं यहाँ पर पर्दा, दिखाओ इस रूम का गोल्ड या येलो गोल्डन अच्छा लग रहा है ना, ये तो परफेक्ट आ गया। आइडिया है कि इसमें एक और कर्टेन लगा दिया जाए, देख लेना लेंथ ठीक फॉलो होनी चाहिए। इसमें आपने बाहर से वो बुलाए ने क्या है, देख रहे हो एक काम करने में कैसे कर रही है। यस मैम मैं कर दूंगी, तुमसे नहीं होगी, ये रहन दो। हम तो नो है, मतलब भाई सारा काम कर दी तेरी बात। चार चक्कर आज के, कितने आज के चक्कर बता दो। आज भाई मेरे हैं पूरे दो चक्कर हो चुके हैं। वो काम है तुम्हारे है ना। यस पूरा रूम घर देख रहे हो कैसे चमका दिया मैंने, देखो सारा घर किसी सेट कर दिया, साफ कर दिया। ये इक्वल है ना, हाँ अब सुंदर टसा ही कर दो, अब अच्छा लग रहा है। हाँ दिमाग से लगाया तुमने वैसे, नाइस अब अच्छा लग रहा है ऋतिक सच में ही। एक बच गया गोल्डन कार्टन। तो जो मेरे कई भाई बहन ये सोच रहे होंगे भाई अभी तक होम टूर क्यों नहीं दे, तो भाई होम टूर जब देंगे जब प्रॉपर पूरा घर सेट हो जाएगी। तो मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि वैसे आपने घर तो देख लिया होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब प्रॉपर सेट हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि अभी भी छोटा छोटा सामान इधर उधर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा घर सेट हो जाए उसके बाद आपको होम टूर देंगे, ठीक है। तो जी भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा टीवी ऑन हो गया, हम थोड़ा मन लगा रहेगा क्योंकि इसमें देखते अपने ब्लॉग्स, ठीक है। और जिस भी भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये वाला प्रैंक किसने देखा था, ऑन हो जा। और ये वाला प्रैंक जरूर देखना, बहुत तगड़ा प्रैंक है। आइए चलो थोड़ी देर व्लॉग देख लेते फिर मिलता हूँ। भाइयों ना इसी एक कल लेकर आई थी, यहीं भूल गई, देखो भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। अरे ये खावे भी है, देखो अभी दीपशिका दिखाएगी, देखो ये खावे भी है, ये यूनिकॉर्न है भाई, देखो ये खावे भी है। सच में ना, सच में खा रहा हूँ। हाथ तो हटाओ, चमा रहा है। गिफ्ट ऐसे मैं ही रख लो, अब ये आएंगे धर धर मैं खेलेंगे वो यहाँ पे। मुंह चल रहा है इसका। हाँ देखो ना, चलो बढ़िया। चलो तो जी भाई अब चलते हैं घर, ठीक है। और ये कुछ सामान है वो भी देना, और भाई सबसे मेन चीज़ है गाड़ी भी धुलवानी। चलो तो जी भाई चलते हैं, जय बाबा की। चलो तो जी भाई पहले गाड़ी धुलवा लेते हैं क्योंकि गाड़ी हो रही है बहुत गंदी। चलो पहले गाड़ी साफ कराते हैं। चलो आगे से देखो बहुत गंदी हो रही है। चलो तो भाई पहले गाड़ी धुलवा लेते हैं फिर चलेंगे घर। तो जी भाई हमारी गाड़ी धुआना है लेकिन बारिश पड़ने लगी, देख रहे हो। बारिश पड़ रही है, देखो लड़का क्या मजा ले रहा बारिश के। तो जी भाइयों गाड़ी धो धा हो चुकी है सेट। चलो बहुत दिन से गंदी थी, आज पूरी ओके करवा दी। तो जी भाइयों गाड़ी धोवा के बिल्कुल सेट कर दी, अब आएगा मजा चलाने में। चलो जी भाइयों सारे मैट लगा दिए, दोस्त एक मैट लगाना भूल गया हमारा, लगा दे। तो जी भाइयों एक चीज हो रहा है, अपना आपको घूमते हुए ब्लॉग ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मुझे काम पड़ा तो कभी मैं यहाँ, मुझे काम पड़ा कभी मैं वहां, क्योंकि पता है उधर मन नहीं लगा तो यहाँ गए, तो ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अभी बस एक काम से पापा जी को ये वाली गाड़ी ले जानी है,
ये वाली गाड़ी खड़ी कर देंगे वहाँ और हम लेकर चलेंगे स्विफ्ट। और बस अब घूमने फिरने के ब्लॉग ज्यादा दिखा करेंगे आपको, क्योंकि भाई जब मैं वो वाले ब्लॉग बना रहा था तो घर ही घर में ब्लॉग बना रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ नया भी दिखाता हूँ आपको। तो मैंने कहा था ना धीरे धीरे कुछ नई की तैयारी है, तो उसी चीज़ नई की तैयारी कर रहे हैं। चलो तो चलते हैं भाई, पहले यहाँ तक गाड़ी निकाल लें, क्योंकि हमारे नंगे अभी धुआं के लाया और इंगे पटरी बारिश और यू ऐसी होगी, अब धुआई हुई और बेदुहाई एक। चलो क्योंकि अभी उधर दीपशिखा भी है, तो यहाँ से जल्दी चलना है क्योंकि मुझे यहाँ से सामान लेना है बहुत सारा। तो जी भाई अब गाड़ी धुलवा के लाओ, फिर आप ऐसी कीचड़ में गाड़ी चलाओ, क्या अजीब बात आ है, देख रहे हो। चलो कोई नहीं, धुलवानी तो थी क्योंकि भाई बहुत गंदी हो रही। चलो चलो, तो जी भाई वो फाइनली आ चुके हैं घर, अब आपको मम्मी जी से मिलवाते हैं। चलो तो जी भाई, ये हमारी मम्मी जी, और सुनाओ मम्मी जी बढ़िया, क्या मौज आ रही है? बस मौज आ रही है, मन लग रहा है? नहीं लग रहा, मेरा भी लग रहा, बट कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, लगाना पड़ेगा। और सुनो, क्या खाना ना खा लिया? रोना नहीं है पक्का? आई लव यू। एक चीज बताओ, आपके पास तो आते ही रहना, कभी यहाँ कभी पिटेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, पिटेगा फिर। चलो भाई चलते भाई, चलो नमस्ते। हमारे केशव भाई, कल भाई आप भी रो रहे थे, ऐसे किए पकड़ो, हमारी याद आ रही थी। तो जी भाई अभी आए दुकान पे और अब चलते हैं। अरे हमारे अन्नु भाई, और अन्नु भाई बढ़िया, क्या मौज आ रही है? चलो तो जी भाई सारे सामान रख दिया है, ठीक है, और ये भी बहुत जरूरी थे तो ये भी ले लिए। चलो खोलिए केशव गेट। तो जी भाई हमारे यहाँ आ गए, तो आप यही मोहन मिलेगा देखो जाम का, ठीक है, तो मुझे ना घर से लिखे हुए हो चुके आधे घंटे, लेकिन देखो जाम, क्योंकि परसों जन्माष्टमी है ना, देखो अभी सही जाम लग रहा है। चलो आप जल्दी से घर पहुँचते हैं, फिर घर चल के मिलते हैं, पूरे में जाम है आगे तक। चलो चलते, या तो जाम का टाइम होगा, मैं थोड़ा सा लेट होगा। और भाई अब हम ले आए स्विफ्ट, क्योंकि स्कॉर्पियो कल पापा को कहीं लेकर जानी है, तो इस वजह से हम ले आए स्विफ्ट। चलो तो चलते हैं और जल्दी से घर चल के मिलते हैं आपसे, तेल डलवा लेते हैं अपनी धोले मुंह की में। चलो तो जी भाइयों फाइनली पहुंच चुके, और मैंने दीपशिखा को कॉल कर दिया था कि ना खाना मत बनाना आज, आज कुछ बाहर खाने चलते हैं, तो चलो अभी दीपशिखा कॉल कर दिया, बस दीपशिखा आने वाली है तो मैं दीपशिखा से मिलवाता हूँ। चलो तो जी भाइयों हमारे बीच बात चुकी है मिसेस दीपशिखा डेढ़ा भाटी, देख लो आज तुम्हारा नाम बिल्कुल सही लिया है मैंने, परफेक्ट। हाँ बताओ क्या खाना है? ओहो मेरी लाइन सीखगी, की लाइन सीखगी, बताओ क्या खाना है जल्दी। कुछ भी नहीं है, देखते हैं अभी क्या मिलेगा मार्केट में, तो इस टाइम मॉम को तो नहीं खाने, चाप। हाँ चाप खा लेते हैं, तो घर ही पैक करा के ले आएंगे, ठीक है, ऐसा कर लो जैसे तुम्हारा, ठीक है भैया, घर पैक करा के ले आएंगे, फिर आराम से खाएंगे घर बैठ के, ठीक है। चाप भाई ये ले लिए, अभी चाप ऑर्डर कर दिया। तुम चला लो गाड़ी, चलो ठीक है, दो भी चाबी हाथ में लो, ये लो चाबी, तेरे बड़ी बात करी ले। हाँ चाबी तो दो भी चलाने थोड़ी दो भी। चलो भाई अभी चाप आ रही है, लो ये भी रख लो फोन, चाबी भी रख दो इसी में गाड़ी में। अच्छा मैं देख रहा था कितनी समझदार हो, पागल हूँ इतना तो मुझे पता ही नहीं, जैसे चलो पैसे रख, चलो मुझे पता ही नहीं कि चाबी नहीं गाड़ी में, पागल ना चलो। तो जी भाई चाप तो आ चुकी है, चलो अभी दीप से कुछ सामान लेने गई है, वो लेकर आ गए, फिर चलते हैं घर। चलो तो जी भाई सारा सामान ले लेते हैं,
चलो लो, चलो थोड़ी भाइयों सारा सामान रख देते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, चलो ये रख लिया सारा सामान। अब सुनो अपन जल्दी से खाना डाल के लियो, फिर खाते हैं। चलो तो जी भाइयों पहले चाप खा लेते हैं, फिर मिलते हैं और मसाला देते कुछ बढ़िया सा। चलो दिखाना कनेक्ट करना। तो जी भाइयों खाना खा लिया है, ठीक है अभी थोड़ी देर मूवी देखते हैं। भाई हम तो इसकी इंग्लिश तो परेशान है, इजी इजी स्लाइड को स्लाइड करो, वो दिखा है फ्रिज पे इजी स्लाइड, अब वो हटाओ बस, थैंक यू। इजी स्लाइड को स्लाइड करो, मैं इंग्लिश सीखूंगा तो स्लाइड हो जाएगा। या इजी स्लाइड का भी यही बोलता रहूंगा, इजी स्लाइड को स्लाइड करो। क्यों तो अपने भी चल, जब मैं कह रहा है मैं क्या लेना, चलो भाई थोड़ी देर मूवी देखते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलो तो जी भाइयों खाना भी खा लिया है, मूवी भी देख लिया है, तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप यहाँ तक देखने आए हो तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना। और एक ही चीज़ कहनी है भाइयों, बस अभी थोड़ा मन नहीं लग रहा लेकिन मन तो लगाना है, तो कोशिश कर रहे कि मन लग जाए तो कभी मूवी देख लेते, कभी बाहर घूमने चले जाते। और एक चीज़ और बताते तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं जाया करेंगे, तो घर भी भाई आना जाना लगा ही रहेगा, तो कभी यहाँ रुक गए कभी वहाँ रुक गए। कि और ये वाला घर किस लिए लिया है वो आपको जब होम टूर देंगे ना जब आपको बताएंगे। तो बस एक ही चीज़ कहनी है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सब ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो राम राम लव यू, जय बाप मोहन राम की, और सबसे मेन चीज़ भाईचारा बनाए रखो और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और कोशिश करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाते रहें, और आपको ब्लॉग पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर जाया करना, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो मिलते हैं।